हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन, होप थिंग्स फाइन एट योर एंड। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कई बार मैं एक हाउ टू वीडियो बनाता हूँ क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट जैसे आ जाता है, जैसे कोई टीवी में फॉल्ट आता है तो मैं अपने आप सॉल्व करता हूँ और फिर जो टेक्निकल नॉलेज होता है और मुझे जो फ़ायदा होता है वो मैं शेयर करता हूँ। तो आज मैं JBL Live 500 ब्लूटूथ हेडफोन की बात करने वाला हूँ। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है जब ये थोड़ा 2-3 साल पुराना हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये ऑन रहता है, या तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है रेंडमली, मतलब इसको ऑफ़ करेंगे स्विच ऑफ अपने आप ऑन हो जाएगा, या फिर ये कंटिन्यूस ऑन ही रहता है, ऑफ़ ही नहीं होता। तो दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। अगर ये कंटिन्यूस ऑन ही रहता है और कनेक्ट रहता है तो आपको कई बार ब्लूटूथ ऑफ भी करना पड़ता है, कई बार उसको हटाना भी पड़ता है, एक तो वो प्रॉब्लम है। और अगर ये कंटिन्यूसली ऑन ही रहता है और उसमें कनेक्शन दूसरी किसी डिवाइस से कनेक्ट करना है या अपने किसी डिवाइस से कनेक्ट करना है, वो प्रॉब्लम आती है। तो ये किसी की भी इन चीज़ों में, जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम आ रही है JBL के किसी भी वायरलेस हेडफोन में, आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लाइट वाइट वाली कंटिन्यूस जगती जा रही है, आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर स्विच ऑफ कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है और अपने आप कनेक्ट हो ही जा रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इस वीडियो में, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल में हम लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टेक, जो मैं यूज़ करता हूँ टेक आइटम्स में, सारा आइटम्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की मुझे शौक है, मैं यूज़ करता हूँ हेडफोन्स, म्यूज़िक सिस्टम्स, स्पीकर्स, वॉचेस, जो भी मैं यूज़ करता हूँ उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम का, JBL के वायरलेस हेडफोन का क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि कस्टमर केयर को फ़ोन किया जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। JBL के कस्टमर सर्विस इस तरह है कि वो ना सिर्फ रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस किसको करते हैं, रिप्लेस करते हैं वो अगर वारंटी में आपके चीज़ है। अगर आपका वारंटी में इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, वैसे JBL के प्रोडक्ट्स में इस तरह की वारंटी में प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर आपका JBL का वायरलेस विद इन वारंटी ख़राब हो जाता है तो दे गिव यू न्यू। इसके बाद जैसे मेरी भी वारंटी ख़त्म होगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई, तब आप अगर उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करोगे तो वो कहेंगे भाई साहब हमारे पास ये नहीं है, मतलब रिपेयर नहीं है हमारे पास, रिप्लेस हो नहीं सकता क्योंकि वारंटी चलेगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे इस चीज़ को तो एक रैंडम सा सोल्यूशन आता है कि आप वो आप ट्राई करके देखें। सबसे पहले करना क्या है, हर एक वायरलेस हेडफोन पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन होता है, उसको दोनों को इकट्ठे दबाएं, 5 सेकंड तक देखें, उसके बाद अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, फिर ऑन करके देखें। अगर नॉर्मल चल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम किस चीज़ की है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है बेसिकली, हमने सॉफ्टवेयर को रीसेट करना है। तो ये जो मैंने बताया आपको तरीका, 5 सेकंड तक आप प्लस माइनस वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम नेगेटिव को इकट्ठे दबा कर रखेंगे तो वो रीसेट हो जाता है। अगर इससे बात नहीं बनी तो 20 सेकंड करके देखें, इससे भी बात नहीं बनी, मेरी बात इन दोनों स्टेप से नहीं बनी थी। तो अगर आपकी भी इन दोनों स्टेप से बात नहीं बन रही है, प्रॉब्लम कंटिन्यूस आ रही है आपको, तब तीसरा सोल्यूशन जो मैंने अपनाया वो आपको अपनाना है। क्या करना है, इसको आपने इसको लगा देना है चार्जिंग पे। जैसे चार्जिंग पे लगाएंगे रेड लाइट ऑन हो जाएगी, उसको छोड़ दो 1-2 घंटा। 1-2 घंटा छोड़ने के बाद इसको उतारें और फिर इसको ऑफ़ करने की कोशिश करें। अगर ये ऑफ हो जाता है देन गुड, उसको ऑन करेंगे नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देगा सब, मतलब इसका सॉफ्टवेयर जो रीसेट हो जाएगा, जो प्रॉब्लम आती है वो ठीक हो जाएगी। इन केस चार्जिंग करने के बाद भी आपका वो कॉन्टिन्यूस ऑन ही रह रहा है, फिर क्या किया जाए, फिर आपका तीसरा फाइनल स्टेप जो मैंने भी किया था, तब आपने इसको 1/2 घंटा एज इट इज़ जैसी भी सिचुएशन में ये पड़ा है, अगर कॉन्टिन्यूस ऑन रह रहा है तो ऑन छोड़ दो, ऑन ऑफ हो रहा है तो वैसे छोड़ दो। 1/2 घंटा उसको छोड़ने के बाद उसको उठाओ और उसको चार्जिंग पे लगा दो, और चार्जिंग के 10-15 मिनट बाद आप देखना, आप जब उसको उतारोगे आपका सॉफ्टवेयर फिर से रिसेट हो चुका होगा और जो प्रॉब्लम इसमें आ रही थी वो आपकी चली जाएगी। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। आई रिपीट इन इंग्लिश, इफ़ यू आर हैविंग JBL Live हेडफोन्स एंड इट इज़ कम रेंडमली स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, और इट इज़ कॉन्टिन्यूसली स्विचिंग स्विच्ड ऑन and you are not able to connect to the devices, then solution is charge it continuously for 2-3 hours, then remove the charger, on it and see if problem has gone or not. If still there is a problem, keep it as it is for one hour, again put it on the charge, and then after some time you will see the problem goes. So the only solution
to this problem is, first step is try to do that reset option, press volume up and volume down for 5 seconds or 10 seconds. If problems goes by that, then it's okay. If it still it is problematic, then follow my steps, put it on the charge for 2 to 3 hours, then check it again. If there is a problem, again put it on the charger, and after that finally you will get that it is out of that problem. So if you like the video, please subscribe to me. Is tarah ki main tips रिपेयर को लेके मैं लाता रहता हूँ. टीवी को लेके मैंने एक बहुत बड़ा पीछे एक वीडियो बनाया था, काफ़ी वायरल हो गया, कि टीवी में स्क्रीन आ जाती है उसका क्या सलूशन. सलूशन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था. अगर आप कस्टमर केयर में जाएंगे, किसी भी टीवी सोनी सैमसंग कोई भी ब्रांड का उठा लो, वो आपको डरा देंगे, 5-10 हज़ार का खर्चा बता देंगे, जो कि मात्र 1500 रुपये का खर्चा उसमें होना है. वो भी अगर LED आपके पास एक्सेस सस्ता है तो वो भी आपको खर्चा नहीं लगेगा. तो वो वीडियो देखना, मैंने यहाँ डाल दिया है. तो इस तरह के कोई भी जो प्रॉब्लमेटिक्स वीडियो होते हैं और जो मैं सॉल्व कर पाता हूँ अपने आप अपने लेवल पे, और जिसका कोई सलूशन अवेलेबल नहीं है, तो उसका मैं वीडियो बनाता हूँ. तो ये मैंने JBL के वायरलेस हेडफोन का वीडियो बनाया है, एंड आई होप सो जितने भी वायरलेस हेडफोन्स हैं उस पर ये एप्लीकेबल है, इनकेस अगर आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है. तो JBL में तो ये काम कर रहा है टेक्निक जो मैंने आपको बताई, इससे मेरा सॉल्व हो गया. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी DJI अवता जैसे ही लॉन्च होगा, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट. उसमें और डिटेल्स जो कन्फर्म्ड है, अभी तो सिर्फ जो टेंटेटिव मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में वही हैं. वो भी कोई ऐसे वैसे सोर्स से नहीं है, वो काफ़ी कन्फर्म्ड सोर्स है जिससे पता लगा है. तो आई होप सो कि आपको वीडियो वाला जानकारी भी लगा होगा. ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. और अगर आपके JBL के वायरलेस हेडफोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि यस सर, आपके वीडियो से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह के वीडियोज़ मैं आगे पोस्ट करता रहूँ. ठीक है, बाकी अगर क्रिप्टो करेंसी से इंटरेस्ट है तो मेरा क्रिप्टो किंग चंडीगढ़ चैनल भी है. अगर आपका बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरा बायोमैकेनिक्स कोच चैनल भी है, तो आप वो चैनल भी आप जाकर देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.